आ चुका है हमारे पास में साविया होम की तरफ से कमाल का बॉक्स। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इसको अनबॉक्स और देंगे आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मजा आएगा, देखते रहिए। तो जो बॉक्स है यहाँ पर एक चीज़ मेंशनड है, amazon.in का यहाँ पर लोगो दिया हुआ है और अपोलो HBCB शायद इसके अंदर चेयर है। एंड जो इसका प्राइस मेंशनड है इससे आधी कीमत पर चेयर मिलती है, करेंटली MRP यहाँ पर मेंशनड है। Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease. तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स रखा हुआ दिख जाता है एंड ये चेयर के नीचे लगने वाला पार्ट है और ये एडजस्टेबल वाला पार्ट। इसके बाद हमें रखा दिख जाता है ये हमारा व्हील्स का सेट एंड व्हील्स ऑलरेडी यहाँ पर असेंबल्ड है, स्टील का है कम्प्लीटली। देन द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द चेयर, ये जो है हमारा बैक है। इसके बाद ये रहा हमारा नीचे वाला पार्ट जो कि इसके पीछे मतलब हमारी चेयर लगेगी और इसके नीचे ही हमारे व्हील्स लगने वाले हैं। ओके, सो जो हमारा ये बॉक्स है इसके अंदर हमें कुछ सामान रखा हुआ दिख जाता है, जैसे कि एक हमारा ये पाउच दिया हुआ है इन्होंने एंड इसके अंदर कुछ यहाँ पर टॉनिक्स वगैरह दी हुई है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये चेयर केयर किट के साथ में काम आएंगी, मतलब चेयर का मैनुअल और जो केयर किट है प्रोटेक्शन किट के अलावा। ये हमारा ये कवर है जो कि बेसिक पोर्शन होता है, बेस पोर्शन। सो ये हमारा हाइट जो एडजस्ट करना है उसके लिए दिया हुआ है। ये चेयर का बैक पोर्शन है, हम इसको जो है उल्टा रखने वाले हैं एंड यहाँ पर जो है एक मैकेनिज्म जो आपको बॉक्स में देखने मिला था उस मैकेनिज्म को हम कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे कि यहाँ जो स्क्रूज़ है उस स्क्रूज़ का यहाँ पर जो है लग जाए। स्क्रूज़ वगैरह है ना वो ऑलरेडी हमें मैकेनिज्म के साथ में देखने मिलते हैं इनसाइड दी बॉक्स। एलन की है वो भी हमें इनसाइड दी बॉक्स ही देखने मिल जाती है। तो ये जो हमें पार्ट देखने मिलता है अब हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं हमारी चेयर पे। सो इसको आप जो है कुछ इस तरीके से उल्टा करके प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको 6 अलग अलग तरह के होल्स देखने मिल जाते हैं दोनों साइड में एंड इसके जो वॉशर्स है वो भी और नट्स है वो भी आपको बॉक्स में ही देखने मिलेंगे। तो जो हमारे जॉइंट्स थे उसमें हमने कुछ इस तरह से इसको टाइट कर दिया है। अब जो ये एलन की है इससे आप आराम से इसको जो है टाइट कर सकते हो। तो टोटल ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजीली जो है दोनों साइड से जॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह का एक देखने मिला था, इसको जो है हमें कुछ इस तरह से इसमें प्लेस कर देना है एंड जैसे यहाँ पर ये प्लेस हो गया उसके बाद हमें इस कवर को यहाँ पर रिमूव कर देना है जो ये ऊपर वाला पार्ट है, तो हमें कुछ इस तरह का देखने मिल जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा हुड था इसको भी हमें कुछ इस तरह से ही प्लेस कर देना है एंड बाकी के दो जॉइंट्स हमें जो ये दिए हुए थे उसको भी हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देना है। अब हम इसको जो है प्लेस करेंगे हमारी चेयर के साथ में कुछ इस। चेयर है भाई वो हमारी असेंबल हो चुकी है कुछ इस तरीके से एंड काफ़ी इजी असेंबली थी। ये चेयर है बेसिकली साविया होम की अपेक्स रेंज की अपोलो चेयर, इसका पूरा नाम है अपोलो HBCB एंड गाइस इसमें आपको क्रोम बेस और हाई बैक देखने मिल जाता है। अब आपको इसका मैं एक फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू दे देता हूँ। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मुझे इस चेयर के साथ लगी है ना वो इसका हाइट एंड नेक एडजस्टमेंट है। इसकी हाइट जो है वो अप टू 53 इंचेस तक जाती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर प्रोसेस हो जाती है जब आपको एक नेक रेस्ट भी देखने मिल जाता है। उसके बाद आपको जो नेक रेस्ट है ना उसमें भी एडजस्टमेंट देखने मिल जाती है। ये जो इसका नेक रेस्ट है ये कम्प्लीटली एडजस्टेबल है ऊपर से नीचे तक एंड इसकी आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। ये एक अर्गोनॉमिक चेयर है तो यहाँ पर जो आप इसका पूरा बेसिक इंटरफेस देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा अर्गोनॉमिक टाइप का फील आएगा, मतलब आपका नेक भी थोड़ा सा ऊपर साइड पे रहता है एंड जो आपका बैक है वो भी कम्प्लीटली स्ट्रेट रहता है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप चेयर पर बैठकर कोई काम करना चाहते हो तो उस टाइम पर ये चेयर आपके काम आ सकती है। एक और काफ़ी कमाल की बात बताता हूँ, तो इसके पीछे आपको जो है मैश देखने मिलता है। अब मैश के बहुत सारे फायदे होते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपकी एडजस्टमेंट के हिसाब से, मतलब अगर आपका फैट शरीर है या आपका स्किनी शरीर है उस हिसाब से आपके बैक को एडजस्ट कर लेता है अपने आप से, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है। पीछे के जो नेकरेस देखने मिलता है वो कम्प्लीटली पिलो है एंड ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने मिल जाती है। बेस की बात करो तो बेस का जो फोम है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है,
मैंने अपने लेग्स को इस तरह से रखा तो काफी ज्यादा एकदम कंफर्ट टाइप का फील हो रहा है। नीचे जो आपको बेस देखने मिलता है कंप्लीटली पॉलीमर से बना हुआ है एंड काफी ज्यादा अच्छा फोम यहाँ पर यूज किया है, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबिलिटी आपके लिए रह जाती है। सो इस चेयर के जो हैंड रेस्ट है ना, ये कंप्लीटली प्लास्टिक से या फिर पॉलीकार्बोनेट से बने हुए हैं एंड ये कंप्लीटली एक फाइबर मटेरियल आपको देखने मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेसिक इसकी, तो इसमें आपको काफी ज्यादा एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी देखने मिलेगी। एंड ये जो मैं बोल रहा हूँ इसकी पावरफुल लेंथ की या क्वालिटी की, तो ये आपके हाथों के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छे एक डिजाइन में आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आप अपने हैंड को काफी अच्छे से रेस्ट कर सकते हो दोनों साइड पर। नीचे आपको इसमें जो है क्रोम का बेस देखने मिलता है, ये कंप्लीटली एक स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, तो ओवरऑल आपको एक काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी फैक्टर देखने मिल जाती है। एंड नीचे के जो व्हील्स है ये कंप्लीटली फाइबर से बना है एंड अच्छी क्वालिटी का फाइबर है, तो आपको ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आप जिस तरह से अपने हाइट को एडजस्ट करोगे, जिस तरह से आप जो है बैठोगे, पोजिशन लोगे, उस तरह से लंबर सपोर्ट पूरा काम करेगा। बैक पेन या नेक पेन जैसी प्रॉब्लम्स इस चेयर के साथ आपको देखने नहीं मिलेगी एंड ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल लॉन्ग टर्म टू यूज चेयर देखने मिल जाती है। एक फाइनल रिव्यू की बात करते थे यार, देखो मैं अभी अभी इस चेयर पर बैठा हूं, अभी अभी मैंने इसको अनबॉक्स कराया, कुछ 10-15 दिन यूज करूंगा, उसके बाद आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर सारी सारी की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी के हिसाब से सिर्फ इतना कह सकते हैं यार, देखो 5-6 हजार रुपए कुछ इसका प्राइस पड़ता है, फ्लिपकार्ट से अमेजोन से आपको देखने मिल जाती है, साथ साथ इनकी खुद की वेबसाइट भी है, तो वहां से भी जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड कुछ ऑफर्स अगर आप लगाते हो या कुछ आप अगर कार्ड ऑफर्स वगैरह यूज करते हो तो एक काफी अच्छे प्राइस पर आपको देखने मिलती है। थोड़े टाइम पहले हमने कुछ और चेयर्स भी यूज करी हैं एंड अगर मैं बात करूँ प्राइस जस्टिफिकेशन की, तो इस चेयर के साथ आपको अपने प्राइस का डबल देखने मिल जाता है। अगर ढंग से देखो आप तो 53 इंचेस की आपको हाइट देखने मिल रही है, ओवरऑल लंबर सपोर्ट देखने मिल रहा है, नेक रेस्ट देखने मिल रहा है, ये सारी चीजें ना इस प्राइस रेंज पर खासकर देखने नहीं मिलती है। एंड जो मैश बैक है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिव्यू का वेट करना है यार, इसी चैनल पर आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब कर ले इस वाले चैनल को, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।